हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जो कि एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर के इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और वहीं पे हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, कि एम्बेडेड सिस्टम के वेरियस एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, या मैं बोल सकता हूँ कोई भी हमारी आईसी है, वो क्या है, एक हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं। और उसमें जो हम कोडिंग करेंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे, वो हमारी सी लैंग्वेज हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है। वो कंपनी पर बेस होता है कि कौन सी लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है एक तरीके से, हमने यहाँ पे जो ये प्रोग्राम किया, हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम इसको, कि यहाँ पे ये हार्डवेयर आईसी हो गई, प्लस हमने जो प्रोग्रामिंग की, एक तरीके से ये सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। और जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम होता है, ये एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि MP3 प्लेयर, ये क्या करेगा, सॉन्ग को प्ले करेगा, ये एक ही टास्क करेगा, सॉन्ग को प्ले। इसमें वीडियो प्ले नहीं होगी, क्योंकि ये एक एम्बेडेड सिस्टम है, एक स्पेशल टास्क के लिए इसको बनाया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है। अब हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। वीडियो गेम कंसोल, इसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है। इससे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हो, या आप इससे वीडियो को प्ले कर सकते हो, वीडियो चला सकते हो, उसमें ऐसा तो नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ हम फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। इसका एक ही टास्क होता है, जिसका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, वो क्या होता है, एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। अब जैसे कि हमारा ये मोबाइल है, मोबाइल में क्या है, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर हो गया, हमने इसमें प्रोग्रामिंग की, वो क्या होगा, एक तरीके से सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। तो मोबाइल फ़ोन में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे DVD प्लेयर। DVD आपने देखी होगी, पहले CD आती थी, उसके बाद में DVD आई, तो आप इसमें भी वीडियो को प्ले कर सकते हो। फिर है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन भी एक एग्जांपल है एम्बेडेड सिस्टम का, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टास्क करती है। आप कोई भी टाइम सेट कर देते हो इसमें, 10 मिनट 15 मिनट, तो उसमें इसको कैसे पता चलता है कि मुझे 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ऑफ होना है, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग की होती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो गया, एक सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है प्रिंटर, जो कि प्रिंट करता है। नेक्स्ट है टेलीविज़न, जो हमारा TV होता है, उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फिर है ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो हमारी ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो जितने भी मैंने आपको ये यहाँ पे बताई है, ये सारे के सारे एग्जांपल है एम्बेडेड सिस्टम के। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको जानना है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे।